हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज क्लास 11th इंग्लिश का पेपर जो कि बेसलाइन टेस्ट है उसको हम देखने जा रहे हैं। अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते, देखिए सबसे पहले आपको एक पैसेज है जो सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स के ऊपर है। तो सबसे पहले पूछा है उन्होंने कि कोई दो बेनिफिट बताइए। तो देखिए दो बेनिफिट यही है, ये एक तो यहाँ से तो यहाँ तक है और एक यहाँ से तो यहाँ तक, ये दोनों लिख देना, ठीक है। फिर अगला पूछा है हाउ डू सोलर पैनल्स हेल्प इन अवॉइडिंग ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग को ये कैसे कम करते हैं। तो देखिए इसका उत्तर भी इसी में है, ये देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाई इज यूजिंग सोलर एनर्जी ए बेटर ऑप्शन, तो सोलर एनर्जी जो है उसको यूज़ करना बेटर ऑप्शन क्यों है, इसका उत्तर देना है। तो ये देखिए आखिरी लाइन में आप देख रहे होंगे इट इज़ ए बेटर ऑप्शन, ये पूरा उत्तर होगा, इलेक्ट्रिक बिल की बचत होती है। उसके बाद अगला है कि आपको इंसेसेंट का मतलब बताना है, इसका मतलब होता है लगातार, और लगातार मतलब अनएंडिंग, ठीक है। फिर अगला है कि आपको रिड्यूस का जो है नाउन फॉर्म बताना है, तो रिड्यूस का नाउन फॉर्म होता है रिडक्शन, तो ये देखिए रिडक्शन हो गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं, हमें एक पोयम का एक्सट्रैक्ट मिला है क्वेश्चन आंसर के जवाब, मतलब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द पोएट, कि पोएट के अनुसार आज़ादी क्या है। तो आज़ादी हमारी सिविल लाइन में ही है, फ्रीडम इज़ द राइट, ये आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसको हम फ्रीडम बोलते हैं। फिर अगला है व्हाट थिंक शुड वी रिमेंबर, हमें क्या बात याद रखनी चाहिए। तो वी शुड रिमेंबर, यहाँ से आप लिख देना, इसमें से कोई सी भी एक लाइन लिख दो, ठीक है, चल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, मासूम, और मासूम का हमें सिनोनिम बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सिनलेस, ठीक है। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, ये भी इसका मतलब मासूम होता है। द वर्ड फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, ये नाउन है, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ द पोम मीन्स टेक्स अवे फ्रॉम, किसका मतलब हो जाना है कि दूर ले जाना, दूर ले जाना या वंचित कर देना, तो ये मतलब है डेप्राइव का, ठीक है। तो इसमें डेप्राइव आ जाएगा, वंचित कर देना। अब आगे देखिए पूछा है कोरोना वायरस का जो आपको एक पैराग्राफ लिखना है 50 से 60 शब्दों में, तो हमारा चैनल जो है उसकी प्लेलिस्ट पर जाना और आपको जो ऐसे जो उसमें ऐसे वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर कोरोना वायरस के बारे में लिख लेना। फिर एप्लीकेशन पूछी है तो ये भी हमारे प्लेलिस्ट पर आपको लेटर राइटिंग मिल जाएगी, ये लेटर भी मिल जाएगा। अब हम सीधे ग्रामर पर आते हैं, देखिए क्या पूछा है कि जब तक हम संगठित हैं हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज, ठीक है। अगला है आई सेंट ए प्रेशियस गिफ्ट फॉर माई मदर। फिर अगला है कि आयरन इज ए यूजफुल मेटल, तो इसमें कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल। अगला है द एम्प्लॉइज विल बी फायर्ड, कि कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा जब तक ढंग से काम नहीं करते, अनलेस आ जाएगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है यू हैव टू वेट अनटिल, इसमें अनटिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अनटिल आ जाएगा। अब आगे देखते हैं मोहन वाज कैरिंग ए हैवी बैग, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मोहन, कैरी का क्या हो जाएगा, कैरिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैरिड, बाकी वही है, वाज नहीं लिखना है, ठीक है। क्या बना, मोहन कैरिड ए हैवी बैग। अगला है द सोल्जर्स सैल्यूट देयर कमांडर, क्या करना है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, सैल्यूटेड देयर कमांडर, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब में क्या होती है, डिड, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डिड लिखोगे, उसके बाद द सोल्जर्स लिखोगे, और सैल्यूटेड नहीं लिखना है इस बार, क्या लिखना है, सैल्यूट लिखना है, बाकी सारा यही है, पीछे क्या लगा दोगे, चिन्ह लगा देना, प्रश्नवाचक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ही कट हिज नेल्स लास्ट इवनिंग, नेगेटिव बनाना है, किसमें है, ये पास्ट इंडेफिनिट में, क्यों है, क्योंकि ही के साथ कट आया, कट्स नहीं आए, तो हम क्या बनाएंगे, ही डिड नॉट कट, क्या बना देंगे, नेगेटिव, ही डिड नॉट कट, बाकी पूरा पूरा ऐसे कैसे। फिर अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, देख रहे हैं आप, यानी कि प्रश्नवाचक ही बनाना है, तो सबसे पहले आ जाएगा हैव, हैव यू डन योर वर्क, क्या बताया मैंने आपको, फिर से सुन लीजिए, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने तुम्हारा काम कर लिया है, ठीक है। इसको सेंटेंस बनाना था और ये इंट्रोगेटिव बनाना था। अब आगे आपको पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, तो देखिए द राइजिंग सन, क्या हो जाएगा ये, राइजिंग, ये हटा कर आईएनजी लगाना। फिर वर्क डन, क्या आ जाएगा इसमें, वर्क डन कैन नॉट बी अनडन, कि अगर एक बार काम कर दिया तो उसको पीछे नहीं ले सकते, आप काम तो कर दिया आपने। उसके बाद है हैविंग, हैविंग यानी कि उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, ठीक है, ये हो गया। अब हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन ही है, द सन सीम्स टू गो,
सूर्य ऐसा लगता है कि धरती के चक्कर लगा रहा है। अगला है हर किसने क्लास अटेंड करी एक्सेप्ट किसके, रोहित के अलावा, ठीक है। आगे है डू नॉट लीव द रूम अंटिल यू फिनिश्ड द असाइंड टास्क, इसमें क्या जाएगा अंटिल आया, जब तक काम खत्म ना कर दो रूम से मत निकलना। फिर देखो आपसे नरेशन पूछे हैं, इनडायरेक्ट नरेशन पूछे, देखिए सबसे पहला है ही आस्क्ड मी, प्रश्न ही पूछा है, ठीक है। हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो देखिए क्या बन जाएगा इसका, ही आस्क्ड मी तक तो ठीक है, आप ले सकते हैं ऐसा कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो है किस प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब वाला है, तो ही आस्क्ड मी इतना ठीक है, और बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा वेदर, क्या लगाना पड़ेगा वेदर लगा दिया। अब उसके बाद हमें इसको असर्टिव बनाना है, तो यानी कि यू पहले आएगा, और यू किसके अनुसार बदला आएगा मी के अनुसार, यानी कि क्या आएगा वेदर आई, और हे हो जाएगा हेड, तो वेदर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, फिर से बता देता हूँ मैं आपको क्या बनाया मैंने, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर, देखिए क्या किया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, और असर्टिव बनाना है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ही सेड टू मी वेयर आर वी गोइंग दिस समर, ये भी प्रश्न ही पूछा है, लेकिन इस बार जो प्रश्न है डब्ल्यू एच फैमिली से, तो ही आस्क्ड मी आ जाएगा इतना तो, फिर से आस्क्ड कर देंगे हम सेड टू की जगह पर, ही आस्क्ड मी वेयर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेयर वी, फिर वी लेना है पहले। अब ये जो है हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो इसको भी पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वेयर वी, अब हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे, तो वेयर वी वर गोइंग दिस समर, वेयर वी वर गोइंग दिस समर, पीछे चिन्ह नहीं लगाना है दोनों में, ठीक है, चिन्ह नहीं लगेगा। फिर अगला है सी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव इन योर स्टोरी, तो देखिए इसको समझिए, सी सेड टू हिम ये हो जाएगा सी टोल्ड हिम, उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर सी है, तो क्या हो जाएगा सी टोल्ड हिम डेट सी, अब ये डोंट क्या हो जाएगा डिड नॉट हो जाएगा, तो सी डिडंट बिलीव, अब यूअर है यूअर सेकंड पर्सन है, तो हिम से बदलाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें सी डिडंट बिलीव इन हिज, क्या जाएगा यहाँ पर हिज स्टोरी में, फिर से बोल देता हूँ सी टोल्ड हिम डेट सी डिडंट बिलीव इन हिज स्टोरी। अब उसके बाद आ गई आपकी मेज द कलम, तो देखिए जोड़ी को हम देखते हैं, सबसे पहले एकम्प्लिश देख लेते हैं, एकम्प्लिश मतलब प्राप्त कर लेना, तो ये हो गया। केओस मतलब क्या अराजकता, तो झगड़ा, ये देखिए झगड़ा हो गया। टू गेट इन टू ए रो, तो इसका मतलब हो जाएगा कम्प्लीट कन्फ्यूजन। अब क्या बच गया अनकेनी, तो अनकेनी का मतलब क्या है अलौकिक, तो ये स्ट्रेंथ, ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।